नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूमर और कैंसर के बीच में डिफरेंस की, यानी कि अंतर की। ज़्यादातर लोग जैसे ही ट्यूमर ये शब्द सुनते हैं, उसके बाद जो अगला अनुमान या ख्याल उनके दिमाग में आता है वो होता है कैंसर की आशंका। बाकी के नकारात्मक भावनाओं की ही तरह यह भावना भी डर से प्रेरित है, जिसका मूल आधार है गलत जानकारी या मिथक। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो अक्सर ट्यूमर और कैंसर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और इन दोनों शब्दों को एक ही समझकर दोनों का गलत जगह इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन कैंसर और ट्यूमर, इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। और ये अंतर क्या है और कैंसर को एक बीमारी के तौर पर जानने समझने के लिए कैंसर और ट्यूमर के बीच के बुनियादी अंतर को समझना क्यों जरूरी है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सभी ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ट्यूमर शरीर के किसी हिस्से में हुआ एक अनियंत्रित विकास होता है और यह आमतौर पर उत्तकों में होता है, फिर चाहे वह मांसपेशी हो, हड्डी हो या फिर कोई अंग हो। जब शरीर में इस असामान्य विकास की घटना होती है तो कोशिकाओं का एक समूह एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है और यह कैंसर युक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर डॉक्टर के मन में इस ट्यूमर को लेकर कैंसर का शक होता है तो वे इस वृद्धि के लिए बायोप्सी करवाने की सलाह देते हैं, ताकि यह पता चल पाए कि कोशिकाओं का यह समूह मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर युक्त है या फिर बेनाइन यानी कि कैंसर मुक्त है। शरीर में बनने वाला हर एक ट्यूमर कैंसरकारी नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी त्वचा में पाया जाने वाला तिल और मस्सा, जिसे कि हम ब्यूटी स्पॉट्स भी कहते हैं, वह भी एक तरह का ट्यूमर ही है। और इस अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ट्यूमर, जो कि दो प्रकार के होते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेनाइन या फिर कैंसर मुक्त ट्यूमर की। तो हमें इसे हम साधारण शब्दों में बिना कैंसर वाला या कैंसर मुक्त ट्यूमर कहते हैं। बेनाइन ट्यूमर कोशिकाओं का एक समूह है जो अपनी उत्पत्ति की जगह से आगे नहीं फैलता है। कोशिकाओं का यह समूह या वृद्धि स्थानीय होती है और ज़्यादातर मौकों पर यह हानि रहित ही होता है। वास्तव में बेनाइन या कैंसर मुक्त ट्यूमर को हटवाना है या नहीं, यह आपकी अपनी पसंद हो सकती है, अनिवार्यता नहीं। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन बेनाइन ट्यूमर के साथ ही जी लेते हैं। हालांकि ये स्थानीय रूप से उत्तकों पर आक्रमण नहीं करते, बावजूद इसके कई बेनाइन ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आप चाहे तो ऐच्छिक या वैकल्पिक सर्जरी की मदद से इन कोशिकाओं के समूहों या वृद्धि को हटवा सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स के कुछ उदाहरण देखें तो गर्भाशय में रसौली यानी कि फाइब्रॉइड्स, तिल मस्से या फिर सिस्ट या पुटक, तो जो कि ग्लैंड्स में होते हैं। बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है और उसमें आसपास के स्थानीय उत्तकों पर आक्रमण करने की जबरदस्त क्षमता होती है, उसे ही मैलिग्नेंट या कैंसर युक्त ट्यूमर कहते हैं। ये कैंसर युक्त वृद्धि होती है जो कि सेकेंडरी ट्यूमर को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जिन्हें हम मेटास्टेसिस कहते हैं। बेनाइन ट्यूमर की तरह मैलिग्नेंट ट्यूमर को हटाना इतना आसान नहीं होता और इन मैलिग्नेंट ट्यूमर के शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने का खतरा बहुत अधिक होता है। दरअसल एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म या कैंसर युक्त सूजन या फुलाव भी कहते हैं, उसे अगर सर्जरी के जरिए हटवा भी दिया जाए तब भी बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। अब बात करते हैं ट्यूमर बनाम कैंसर की के इनमें क्या अंतर है। तो आधारभूत स्तर की बात करें, ट्यूमर एक तरह का ग्रोथ यानी कि वृद्धि है, कोशिकाओं का एक समूह है जो कि कैंसर युक्त भी हो सकता है और कैंसर मुक्त भी हो सकता है, जबकि कैंसर जो है वो एक बीमारी है। कैंसर और ट्यूमर के बीच मुख्य रूप से अगर हम अंतरों की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनके फैलने की। तो बेनाइन ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों में इधर उधर नहीं जाते या नहीं फैलते और ज़्यादातर बेनाइन ट्यूमर जानलेवा भी नहीं होते। कुछ एक ब्रेन ट्यूमर को छोड़कर जो ट्यूमर के आसपास मौजूद नाजुक उत्तकों पर प्रेशर डालते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और जलन की समस्या उत्पन्न करते हैं। यह जानने के लिए ट्यूमर कैंसर युक्त है या कैंसर मुक्त, इसके लिए डॉक्टर जो है वो बायोप्सी करते हैं। लक्षणों के तौर पर देखें तो ट्यूमर से जुड़े कुछ लक्षण भी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर के लक्षण आखिरकार दिखने लगते हैं। वैसे तो इसके सामान्य संकेत या लक्षण बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते, लेकिन अलग अलग तरह के कैंसर के मरीजों में कुछ सामान्य लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि हद से ज़्यादा थकान होना, तेज़ी से वजन घटना, दर्द महसूस होना, त्वचाओं में दिखने वाले कुछ बदलाव, आंत या फिर मूत्राशय के कार्य में बदलाव, असाधारण सी ब्लीडिंग, लगातार खांसी होना या आवाज़ में बदलाव आना, बुखार होना, साथ ही साथ उत्तकों का समूह या गांठ होना, जिसे हम लंप्स बोलते हैं। और आखिर में कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कैंसर युक्त कोशिकाएं, जैसा कि हमने देखा है, वैसी कोशिकाएं होती है जो अपनी मनोनीत की गई जगह पर रहने की क्षमता खो देती है
और इसे हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या संपर्क निषेध भी कहते हैं। अगर शरीर में किसी वजह से मैलिग्नेंट या कैंसर युक्त ट्यूमर बन जाए तो डरने या घबराने की बजाय उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि आज के आधुनिक युग में इलाज के लिए कई ऑप्शन मौजूद है, जिसमें कीमोथेरेपी से लेकर रेडिएशन और सर्जरी के जरिए ट्यूमर को हटवाने की प्रक्रिया भी शामिल है। दुनिया भर के अनुसंधानकर्ता कैंसर को लेकर हर दिन नए नए स्टडी करने में जुटे हैं ताकि इसे लेकर नए नए जवाब मिल सके। और अगर आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ यानी कि लम्स या ट्यूमर होने का शक हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर या विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर कोशिकाओं की वृद्धि बिनाइन हो यानी कैंसर मुक्त, तब भी नियमित रूप से इनकी जाँच करवानी चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं यह कैंसर युक्त तो नहीं बन रहा। और ज़्यादातर बिनाइन या कैंसर युक्त ट्यूमर जो होते हैं वो हानि रहित होते हैं और उन्हें यूं ही छोड़ा जा सकता है, लेकिन उन पर नज़र रखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।